प्लांट सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल सेल के अंदर ही ट्रैवल कर रहा है छोटे से डिस्टेंस में इधर से इधर सेल के अंदर ही ट्रैवल करके दिखा रहा है इतनी देर में ही कितना टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट टू फाइव टू पॉइंट फाइव सेकेंड्स लग जाएंगे ज़रा सा ट्रैवल करने के विद इन सेल एक मॉलिक्यूल के तो सोचिए कि एक मीटर अगर सेल टू सेल पानी चढ़े और चले ट्रैवल करे तो कितने ईयर्स लग जाएंगे एक मीटर चलने के लिए पानी को इन प्लांट्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू ट्रैवल इसका मतलब ये फेल है ऐसी वाली मोमेंट जो सेल टू सेल मोमेंट है डिफ्यूज़न वगैरह वो नहीं आंसरेबल है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कुछ और ही है वो क्या है प्लांट्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का आंसर है ट्रांसलोकेशन फिनोमिन प्रोसेस वेयर बल्क मूवमेंट मास मूवमेंट मास फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इट बी वाटर इट बी फूड

चिंटू जी ने एक और दिमाग लगाया है डर्ट को हटाने का तरीका वैक्यूम पंप वैक्यूम पंप के द्वारा डर्ट अंदर घुसे जा रही है किसके इस पाइप के अंदर जा जाके सक्शन के द्वारा खींचने के द्वारा खिंचाव पुल के द्वारा ये था पुश ये था पुल पुल या सक्शन के द्वारा सौखने के द्वारा ये इसमें भर जाएगी डट तो दो हमें तरीके नज़र आ रहे हैं कौन सा वाला आपको लग रहा है पॉजिटिव प्रेशर कौन सा नेगेटिव प्रेशर अकॉर्डिंग टू यू हाँ ये धक्का देने वाला जो है ये प्लस है पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड और ये एग्जांपल है नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड का ये दो तरीके हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर्स बाय विच द प्लांट शो मोमेंट ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एक प्लांट की रूट जड़ उसका एक पीस कट किया हमने और इस पीस को अगर आप ऊपर से देखो व्यू करिए या इसके भी फर्दर स्लाइसिस काट के पतले पतले माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये नज़र आएगा स्ट्रक्चर दैट इज़ द ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ द रूट ये पड़ा हुआ है जायलम द ट्रैकिर्स द वेसल्स द एलिमेंट्स विच हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट तो ये जायलम पड़ा है हमें नजर आएगा और साथ ही पड़ा होगा फ्लोएम भी कहीं ना कहीं तो फ्लोएम का काम है क्या बताना फूड कंडक्शन इन प्लांट्स

अब पानी को आगे ट्रैवल करना है कहाँ तक जायलम गंतव्य है वेस्कुलर बंडल्स यानी जायलम में पानी को जाना है क्योंकि जायलम लेके जाएगा पानी को आगे तो रूट हेयर का, का काम था एब्जॉपशन उसने करके कर दिखाया लेकिन आगे ये जो रास्ता है ये दो तरह का है देर आर टू वेज ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर अप टू जायलम वो कैसे एक तो तरीका है कि पानी ये चढ़ गया है और पानी अलोंग द सेल वॉल्स अंदर ना जाए सेल के अंदर और सेल वॉलों में से होता होता हो, बाहर बाहर से ही होता होता अरे लेकिन ये रास्ते में क्या आ गया ये कुछ अलग सा आ गया कॉटेक्स के अलावा कैस्पेरियन स्ट्रिप है और एंडोडर्मिस है हाँ ये जो सेल की लेयर है इसको एंडोडर्मिस बोलते हैं और इसके अंदर एक स्ट्रिप पड़ी होती है जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि डेड टिश्यू से बनी हुई है यहाँ पर जाकर ये पानी और आगे नहीं जा पाएगा ट्रेवल नहीं कर पाएगा कि इसी के सेल वॉल में से निकल जाए ऐसा नहीं हो पाएगा इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुसना ही पड़ेगा इस प्रकार से एंडोडर्मिस में पानी यहाँ अंदर घुस जाएगा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में घुस जाता है और फाइनली जाइलम तक पहुँच गया वाह ये जो पाथवे हुए आपको नज़र आ रहा है ये वाला सारा फिर से करती हूँ पानी चला 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 सेल वॉलों में से चला 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 और बिना अंदर जरा सा भी घुसे सेल के अंदर ये फास्ट मूवमेंट है क्योंकि उसको सेल में घुसना नहीं पड़ रहा तो ये बड़ी फास्ट मूवमेंट है और बड़ा फास्ट पानी चलेगा ऐसे में और पहुंच जाएगा जाइलम तक लेकिन एंडोडर्मिस में इसको अंदर घुसना ज़रूर पड़ेगा ये फ़र्क है तो ऐसे वाले पाथवे के जो एक पाथवे हमने कर लिया ये है एपोप्लास्ट द सिस्टम वेयर सेल वॉल्स विल बी टेकन अप बाय द वॉटर एप्पोप्लास्ट पाथ हुए दूसरा कोई तरीका जिससे पानी अंदर ट्रैवल करे हाँ एक और तरीका दूसरा बड़ा ऑब्वियस है कि अब के बार जो सेल का पानी ये रूट हेयर का पानी था और ये रूट हेयर वाले सेल का पानी है वो अंदर से जाए कैसे भाई अंदर से कैसे कैसे आगे आगे बढ़ेगा सेल के अंदर कैसे जाएगा भाई सेल वॉल को क्रॉस किया सेल वॉल तो फुली परमिएबल है सेमी परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन वो उसको भी क्रॉस कर गया पानी और फिर प्लाज्मोडेस्मेटा हैं जगह जगह पे आपको पता है कि होल्स होते हैं छेद होते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा उनके अंदर से निकलता निकलता सेलों के अंदर से होता होता जो कि बड़ा दिक्कत का मामला है क्यों भाई सेल मेम्बरेन अड़ियल है वो आने नहीं देती पानी को सेल मेम्ब्रेन आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है तो इतना कंपैटिबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी वाटर चला 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 तो ये कैसी मूवमेंट होगी स्लो अंदर से चला गया है सेल के और साइटोप्लाज्म से होता हुआ प्लाज्मोडेस्मेटा से होता हुआ पाथवे क्रिएट किया इसने एंडोडर्मिस के अंदर जाएगा साइटोप्लाज्म की तरफ जाएगा एंडोडर्मिस में घुस जाएगा साइटोप्लाज्म में और पहुंच जाएगा जाइलम तक गंतव्य मंजिल ये दूसरा पाथवे है सेकंड पाथवे इसके लिए एक वर्ड है सिम प्लास्टिक सिस्टम सिम प्लास्ट तो दिस जो हमने किया है ये है सिम प्लास्ट का डेमोस्ट्रेशन इन द डायग्राम तो ये स्लो है कंपैरेटिवली मूवमेंट लेकिन इट विल रीच द साइलम। दोनों ही पाथवेज एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करते हैं डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे और बात फिर से करते हैं सिम एपोप्लास्ट की एपोप्लास्ट में फिर से याद करते हैं ये पानी रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया था सॉयल से ले लिया था और ये पानी चला 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 लेकिन सेल वॉलों से चला 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 कैस्पेरियन स्ट्रिप ये जो अड़चन है एंड्रोडर्मिस यहाँ तक पहुँच गया लेयर तक और इसके अंदर घुस गया इसको घुसना पड़ गया अंदर तब जाके ये ज़ाइलम में पहुँच गया ये कौन सा था एपोप्लास्ट पाथवे कि पानी को, को कोई बैरियर कोई अड़चन मिली हो रास्ता बहुत साफ था अतः ये फास्ट मूवमेंट थी एपोप्लास्ट इज फास्ट और एडहेसिव कोसिव फोर्सेस भी इस पर हेल्प करती हैं वाटर की ये आगे पढ़ेंगे क्या है भैया सिम प्लास्ट पाथ हुए फिर से करते हैं अब या रिवाइज करते हैं रूट हेयर यूनिसेलुलर पानी घुसा एब्जॉर्ब हो गया बाय डिफ्यूज़न अब की बार लेकिन पानी ने अंदर से जाने की सोची है ये बीच में से जा रहा है पानी अंदर जा रहा है सेल वॉल और सैर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ में घुस रहा है वैक्यूल में नहीं जा रहा यहाँ जो बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है ना उसमें नहीं जाता पानी उसको छोड़ के पानी साइटोप्लाज्म में से होता होता बड़ी दिक्कतों के साथ क्योंकि यहाँ इसको बैरियर मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन के रूप में और वैसे भी घुसना पड़ रहा है प्लाज्मो डेस्मेटा में घुसेगा तब जाके आगे बढ़ेगा वो जो होल्स होते हैं सेल सेल के बीच में होल्स प्लाज्मो डेस्मेटा छेद प्लास मो डेस, मेटा, होल्स छिद्र सेल्स एडजेसेंट सेल्स के बीच में ऐसे होता होता ये फाइनली कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करता हुआ ये एंडोडर्मिस को क्रॉस करता हुआ जाइलम तक पहुँच ही गया गंतव्य ये कौन सा पाथवे है सिम्प्लास्ट पाथवे और ये कैसा है बहुत स्लो है कंपैरेटिवली स्लो सिस्टम है इसमें जो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी मदद करती है साइटोप्लाज्म इधर उधर घूमता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विद इन द सेल साइक्लोसिस भी बोलते हैं इसको ये भी मदद करता है इसमें इसमें सिम प्लास्ट पाथवे में